नमस्कार। आज के वीडियो में बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, ये पुस्तक, और इसके अंतर्गत हम स्विट्जरलैंड की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा हमने स्विट्जरलैंड की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन के महत्व को भी अपने पूर्व के वीडियोस में पढ़ा, और इसके अलावा संवैधानिक विकास क्रम जो स्विट्जरलैंड का रहा उसको भी हमने विस्तृत रूप से अपने पूर्व की वीडियो में पढ़ा। आज हम स्विस संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्विट्जरलैंड विश्व की प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला रही है, और यहाँ सब कुछ इतना मौलिक और विलक्षण है कि यह बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन अपनी संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन के कारण ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ के संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको हम कतिपय बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे पहला स्विस संविधान की पहली विशेषता, निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में स्विट्जरलैंड के संवैधानिक विकास क्रम को पढ़ा था, और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि स्विस संविधान जो है वो 1848 में बना, और तब से लेकर 1998 तक वही संविधान जो है वो लागू रहा। क्योंकि 1848 का जो संविधान था वो निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान था, इसलिए उस संविधान के आधार पर ही स्विस व्यवस्थाएँ जो थीं उनका संचालन चलता रहा। इसके पश्चात 1998 में पुनः स्विस संविधान का निर्माण किया गया, और जिसे 1999 में लागू किया गया, और वो संविधान आज तक चल रहा है, अनवरत रूप से जारी है। जो 1848 में बना था और फिर 1874 में जिसका पूर्ण संशोधित स्वरूप आया था, उस संविधान में 123 धाराएं और 3 अध्याय थे, और जो 1998 में निर्मित हुआ था और 1999 से जो लागू हुआ उसमें धाराओं की संख्या बढ़ गई, अब हो गई हैं 195 धाराएं और 3 अध्याय के स्थान पर 4 अध्याय हो चुके हैं। स्विस संविधान जो है उसके बड़े होने के 2 कारण रहे। पहला कारण तो ये रहा कि इसमें अनेक ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिसका वास्तव में देखा जाए तो कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। अब उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे मछली मारना, शिकार खेलना, जुआ खेलना, ये ऐसे विषय हैं जिनका संविधान में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्विस संविधान में हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा बिंदु है, इसमें संघीय सरकार के अधिकारों और संघीय व कैंटेनों की जो सरकारों के बीच में विधायी एवं प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र होते हैं, इनका विभाजन जो है उसका वर्णन बहुत अधिक विस्तार से किया गया है। तो वहाँ पर स्विस जो संविधान है वो हम देख रहे हैं उपरोक्त 2 बिंदुओं के आधार पर कि वहाँ की व्यवस्थाओं के कारण या अनावश्यक रूप से कई ऐसे विषयों का भी उसमें समावेश कर दिया गया है जिनका समावेश करना कोई उचित नहीं था। तो स्विस संविधान जो है, चाहे वो 1848 का संविधान हम देख लें या फिर 1998 का जिसको कि 1999 में लागू किया गया, वहाँ के दोनों ही जो संविधान हैं वो निर्मित रहे, लिखित रहे और अपेक्षाकृत व्यापक कहे जा सकते हैं। दूसरी विशेषता है प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्जरलैंड का जो गणराज्य है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज्य माना जाता है। 1870 तक सान मेरिनो और हंसा टाउन जैसे 2 कम महत्वपूर्ण राज्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था, यानी केवल सान मेरिनो और हंसा टाउन वहाँ पर गणराज्य नहीं था, इसके अलावा स्विट्जरलैंड में गणराज्य स्थापित था। यूरोप और एशिया के लगभग लगभग सभी देशों में जहाँ स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजा शासन कर रहे थे, उस समय स्विट्जरलैंड के जितने भी कैंटन थे वहाँ पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित था, जनता को अधिकार मिले हुए थे जिनके आधार पर शासन और शासनाधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती थी।
यानी जनता सर्वे सर्वाथी जनता के द्वारा अपने शासन और शासन के अधिकारियों पर नियंत्रण रखा जाता था। तीसरा बिंदु है कठोर संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान जो है वो कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है, यानी इसमें संशोधन करने के लिए जो सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया होती है उससे ठीक भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाता है। वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने का महत्वपूर्ण कारण था के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक था। व्यवहार में अगर देखा जाए तो संशोधन की प्रक्रिया भारत की व्यवस्था से अधिक जटिल है, लेकिन अमरीका की तुलना में निश्चित रूप से कठोर कम है। यानी इस स्थिति का यह भी कारण था कि स्विस व्यक्ति अपने व्यवहार में लचीले हैं और आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन करने में संकोच नहीं करते हैं। यानी जब हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत की अपेक्षाकृत तो स्विस संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कठोर है, लेकिन जब हम अमरीका से तुलना करेंगे तो अमरीका से काफ़ी मात्रा में स्विस संविधान की संशोधन प्रक्रिया लचीली कही जा सकती है। चौथी विशेषता है उदारवादी दर्शन पर आधारित। स्विट्जरलैंड का जो संविधान रहा वो उदारवादी दर्शन पर आधारित रहा। संविधान का मूल दर्शन क्या है कि जीवन के समस्त क्षेत्रों में नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। यद्यपि वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में लोक कल्याणकारी जो प्रवृत्तियां हैं वो विकसित हो रही हैं, लेकिन वहां मूल विचार यही है कि नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यानी स्विट्जरलैंड का जो संविधान का दर्शन है वो इंग्लैंड अमरीका की भांति उदारवादी दर्शन पर आधारित है। अगली विशेषता है संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। ऐसा माना जाता है कि प्रजातंत्र में या तो ब्रिटेन की तरह संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जा सकता है या फिर अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक व्यवस्था को, लेकिन स्विट्जरलैंड का संविधान जो है वो एक अपवाद है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में न तो पूर्णतया संसदात्मक व्यवस्था है और न ही अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी पूरी तरीके से दोनों में से किसी भी व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका यानी संसद जो है और कार्यपालिका के बीच में संबंध है, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत भी नहीं कर सकती। इसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमरीकी संविधान की तरह शक्ति विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है। स्विस संविधान के द्वारा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के गुणों को ग्रहण किया गया और एक नवीन शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया। अगली विशेषता है बहुल कार्यपालिका। ये एक बहुत ही अलग हटके विशेषता स्विट्जरलैंड की कही जाती है, जबकि विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में एकल कार्यपालिका की व्यवस्था है, वहाँ स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका की शक्ति जो है वो 7 सदस्यों की संघीय सरकार को प्रदान की गई है, और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों की शक्तियाँ बिल्कुल समान है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक को ज़्यादा शक्ति दी गई है या किसी एक को कम दी गई है, और यही कारण है कि इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका जो है बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, और बहुल कार्यपालिका का एकमात्र उदाहरण जो है वो पूर्व जो सोवियत संघ था उसकी प्रेसिडियम थी, लेकिन पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में अंतर है। बहुल कार्यपालिका इस बात की प्रतीक है कि स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्रीय भावना जो है वो वहाँ के जनमानस में बहुत गहरे से उतरी हुई है। अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। स्विस संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। अनुच्छेद जो 15 है वो धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
15(1) जो है वो सभी नागरिकों को धर्म दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 15(2) जो है वो सभी व्यक्तियों को अपने धर्म और दार्शनिक विश्वासों के चयन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15(3) जो है वो धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने और धार्मिक उपदेशों के पालन की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 15(4) जो है वो किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति पर धर्म विशेष को स्वीकार करने या किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता को प्राप्त करने, धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने, धार्मिक उपदेशों का पालन करने के लिए दबाव नहीं डालता। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान का अनुच्छेद 15 है वो पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। अगली विशेषता है संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का समन्वय। संघात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा माना जाता है कि संघीय न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने और रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है कि संघीय न्यायपालिका संघीय और इकाइयों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करेगी और यदि वह संविधान के प्रतिकूल उसे मानेगी तो उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसे क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि अमेरिका में देखने को मिलता है। ये चीज़ स्विट्जरलैंड में देखने को आंशिक रूप से ही मिलती है। यहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे कि 1998 में जो संविधान बनाया गया था, इसके अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया है। कैंटेनो के कानूनों तथा प्रशासनिक कार्यों को अवैध घोषित करने का अधिकार तो दिया है, लेकिन संघीय कानून और जो प्रशासनिक आदेश होते हैं उनको अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं दिया है। नया जो संविधान है उसके अनुच्छेद 189 की जो धारा 4 है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघीय संसद के द्वारा जो निर्मित कानून है और संघीय शासन के जो आदेश हैं स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कानूनों के आधार पर अपवादों की व्यवस्था निश्चित रूप से की जा सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को स्विट्जरलैंड में स्वीकार नहीं किया गया है। अगली विशेषता है प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड के विधि के शासन की व्यवस्था को तो स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों की जो प्रशासनिक कानून की व्यवस्था थी उसको अपनाया गया है। इसके अंतर्गत क्या रहता है? जनसाधारण और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक कानून की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत जनसाधारण और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए हम जैसा कि देख रहे हैं पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। और डाइसी और अन्य जो ब्रिटिश लेखक हैं वो प्रशासनिक कानून और न्याय व्यवस्था को नागरिक अधिकारों पर एक आघात मानते हैं, लेकिन यदि न्यायाधीश निष्पक्ष हो तो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था को दोषों से मुक्त रखा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो न्यायपालिका है वो प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका कही जा सकती है। इसके बाद आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या सहभागी लोकतंत्र। ये स्विस संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। चूँकि स्विट्जरलैंड के 1 पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज भी प्रचलित है, तो वहाँ पर चूँकि बाकी के जो स्विस कैंटन थे वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं अपनाया गया है, लेकिन एक जो पूर्ण कैंटन है ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटन जो हैं वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। यानी जनता जो है वो शासन के कार्यों में भागीदार होती है, और यही कारण है कि इन कैंटनों में लोक निर्णय और आरंभक की भी व्यवस्था की गई है। यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो 2 महत्वपूर्ण उपकरण माने जाते हैं, लोक निर्णय और आरंभक। लोक निर्णय क्या होता है? इस लोक निर्णय जो है वो प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से
जनता की अभिव्यक्ति उसमें दृष्टिगोचर होनी चाहिए, इस निर्णय पर आधारित होता है। यानी किसी भी कानून के लिए जनता का निर्णय जरूरी होना चाहिए, अन्यथा जनता जो है वो निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकती है। इसी तरीके से जहां लोक निर्णय जनता को कानून के संबंध में नकारात्मक शक्ति प्रदान करता है, वहीं आरंभक जो है वो सकारात्मक शक्ति देता है। आरंभक के द्वारा क्या करती है जनता? जनता को ये अधिकार दिया जाता है कि वह किसी भी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से जनता ये मांग कर सकती है कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस पर लोक निर्णय लिया जाए। आरंभक भी दो प्रकार के माने जाते हैं, सविन्यासित आरंभक और अविन्यासित आरंभक। तो हम ये देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र या जिसे हम कहेंगे सहभागी लोकतंत्र को अपनाया गया है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो उपकरण हैं लोक निर्णय और आरंभक, उनको भी स्वीकार किया गया है। अगली विशेषता आती है संघात्मक शासन व्यवस्था, अत्यंत महत्वपूर्ण। यद्यपि संविधान में स्विट्जरलैंड को राज्यमंडल कहा गया है, लेकिन वास्तव में स्विट्जरलैंड जो है वो राज्यमंडल नहीं है, बल्कि क्या है, एक संघ राज्य है। स्विस संविधान में संघात्मक शासन के जितने भी लक्षण हैं, लिखित कठोर संविधान, संविधान के द्वारा केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन करना, संघीय कार्यपालिका का होना, राज्यों की नागरिकता, इसके अलावा संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व देना, इन सबकी व्यवस्था की गई है। स्विस संघ में अगर देखा जाए तो 20 तो पूर्ण कैंटन हैं और 6 अर्ध कैंटन हैं, यानी टोटल कितने हो गए, 20 पूर्ण कैंटन, 6 अर्ध कैंटन, यानी 3, तो टोटल 23 कैंटन जो हैं वो स्विस संघ में हैं। पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में दो बातों की दृष्टि से भेद किया गया है। कौन सी हैं वो दो बातें? कि जहां प्रत्येक पूर्ण कैंटन को संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, वहां अर्ध कैंटन केवल एक प्रतिनिधि भेज सकता है। और दूसरा भेद है कि संवैधानिक संशोधन के समय जहां पूर्ण कैंटन का एक मत गिना जाएगा, वहां अर्ध कैंटन का मत जो है वो आधा गिना जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था है, और 20 जो पूर्ण कैंटन हैं वो संघात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं, और 6 अर्ध कैंटन भी अपनी भूमिका जो है वो अच्छी प्रकार से निभाते हैं। अगली विशेषता हम देख रहे हैं बहुभाषी राज्य। स्विट्जरलैंड जो है वो विविध भाषाओं वाला देश है, और वहाँ पर किसी एक भाषा को राजभाषा का स्तर नहीं दिया गया है। स्विट्जरलैंड में भाषाई विविधता की समस्या जो थी उसको हल किया गया है। जैसा कि स्विट्जरलैंड में हम देख रहे हैं 74% लोग जो हैं जर्मन हैं, 20% लोग फ्रेंच हैं, और 5% लोग जो हैं वो इटालियन भाषा भाषी हैं। इसके अलावा 1% लोग जो हैं वो रोमांच जो भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। तो स्विट्जरलैंड में सारे कार्य जो हैं वो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन तीनों भाषाओं में होते हैं, यानी किसी एक को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। 1928 में जब संशोधन किया गया तो रोमांच जो भाषा थी उसको राजभाषा मान लिया गया। 98 में जब संविधान पुनः बनाया गया तो राजभाषा वाला जो स्थान था वो समाप्त कर दिया गया, और बहुभाषाभाषी राज्य की स्थिति को बनाए रखा गया। तो यानी आज तक स्विट्जरलैंड में बहुभाषाभाषी राज्य ही हैं, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मन, फ्रेंच और इटालियन सभी भाषाओं में वहाँ का राजकार्य संपादित होता रहता है। अगली विशेषता है औपचारिक अधिकार पत्र एवं व्यापक रूप में मूल अधिकारों की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को जो 1848 का संविधान बनाया गया था उसमें भी मूल अधिकार थे, और लेकिन उसमें अधिकार पत्र का अभाव था। लेकिन जब अप्रैल 1999 में जो वर्तमान संविधान लागू किया गया उसमें अधिकार पत्र
जो है उसका उल्लेख किया गया। इस अधिकार पत्र में पहले की अपेक्षा अन्य किसी भी जो व्यवस्था है उसको शामिल किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो विविधताओं वाला देश है और विविधताओं के साथ ही वहाँ की विशेषताओं को हम देख सकते हैं।